फ्रेंड्स, आज ही एक ही वीडियो में आपको मैंने आज चार खेल बताए। एक वीडियो और चार खेल, दो बाजरे, एक ठंडा बाजरा, एक चिकनाव बनाने का बाजरा, सादा चिकनाव, और दो पानी, एक दूध वाला पानी, एक सादा पानी, दोनों आप लगा सकते हैं। एक वीडियो और चार खेल, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। ठीक है, चैनल को लाइक जरूर करें। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की वीडियो पूरी देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि बाजरे को ठंडा कैसे करते हैं। बहुत ही शानदार बाजरा बना के आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ पूरी वीडियो आप देखिएगा, मुकम्मल बताऊंगा कि शुरुआत में आप कबूतर कैसे उड़ाएं, क्योंकि बहुत ही मेरे भाइयों के कमेंट हैं जो मैं सब पढ़ रहा हूँ, सबके कमेंट कि हमें कबूतर चालू करना है, कैसे करें कैसे करें। तो वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप गर्मियों में कबूतर दौड़ाने के लिए चालू करें। बाजरे को ठंडा करना बताऊंगा, बाजरा बना के दिखाऊंगा आपको ठंडा कैसे होता है, अपने कबूतरों पे जो दूंगा, और एक बताऊंगा पानी। ये एक ही वीडियो में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक बाजरा ठंडा कैसे होगा और पानी। दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़ में कि बाजरा ठंडा अलग होता है और चिकनाव बाजरे का अलग होता है, याद रखिएगा। आप कहीं ये सोच लेंगे ये यही चिकनाव, तो ये चिकनाव नहीं होता, इसको कहते हैं बाजरा ठंडा होना। तो बाजरा ठंडा हो जाएगा, तासी ठंडी होगी, आपका कबूतर भी ठंडा होगा, और बहुत अच्छा बाजरा बताऊंगा दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा, मजा बांध देगा, चोचे उसमें भी फाड़ना बंद हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है काफ़ी जो है इस टाइम नीचे आ गया है। तो वो मटके वाला कबूतर पे जो मैंने आपको बताया, वो पानी ना लगाएं दोस्तों, वो पानी बस आप लगाएं 35 से 40 डिग्री, जब हो 40 से ऊपर भी हो तब भी आप लगा लें, वो बहुत शानदार पानी है दोस्तों, बहुत शानदार पानी है। उसमें पाकिस्तान में कबूतर लोग उड़ा रहे हैं, उनका कबूतर दौड़ भी रहा है, जो दूसरे दिन का तीसरे दिन का पानी बताया था मैंने। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने खेल की तरफ, और सारे भाइयों से दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए भाई हो मेरे, वो इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी, कबूतर का शौक आएगा, कबूतर के खेल पानी आएंगे, और जेन्युइन खेल पानी आएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। बाजरे को ठंडा करना और एक दौड़ का पानी, ठीक है, जिससे कबूतर आपका चलना चालू कर देगा, बहुत अच्छी रंगत से चलेगा और खूबसूरती से उड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप दोस्तों, आप जिस भी बर्तन में अपने कबूतरों को दाना देते हैं तो उसमें पानी ले लें, और पानी इतना ही रहे कि आप जैसे कि अगर 5 डिब्बे 50 कबूतरों को दाना दे रहे हैं, बता रहा हूँ प्रैक्टिकल तौर पे, कि अगर आप 5 डब्बे दे रहे हैं तो आपको पानी जो है अपनी उंगली से सिर्फ और सिर्फ 2 इंची ऊंचा लेना है। ठीक है, 2 इंची ऊंचा पानी, ठीक है, जितना बाजरा आप डाल दें। तो दोस्तों ये पत्थर है, पत्थर की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें डालता हूँ, जिससे बाजरा हमारा माशाल्लाह ठंडा हो जाए, बढ़िया हो जाए, तरावट में कबूतर आ जाए। दोस्तों इसी के साथ साथ इसमें क्या होगा कि कबूतर आपका हल्का होता रहेगा, और दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि कबूतर जब जाड़ों से गर्मी की तरफ आता है तो कबूतर को साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका कबूतर अच्छा हो जाएगा, इससे बढ़िया हो जाएगा, और कबूतर हल्का हो जाएगा, हल्का होकर उड़ना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ भाई मेरे उड़ा रहे हैं कबूतर, तो बता रहे हैं कि कबूतर लद रहे हैं। दोस्तों कबूतर तभी लदता है जब तगड़ा हो जाता है, तगड़ा होता है तो फिर उसमें स्टैमिना नहीं होता है, तो वो छतें पकड़ने लगता है, छतें पकड़ता है दोस्तों तो दूसरे कबूतर भी गंदे कर देता है, याद रखिएगा। तो ऐसा ना करें कबूतर के ऊपर, आप कबूतर का पहले रियाज बना लें जैसे मैं बताऊँ, फिर आप कबूतर उड़ाएं। दोस्तों तो आपको बाजरा ठंडा करने के लिए ये सामान ले आना है, एक ही मुलेठी है, ठीक है दोस्तों, और ये सतावर, सतावर की डंडी। दोस्तों मैं आपको करके बताऊंगा कैसे बाजरा ठंडा होता है, ठीक है, और ये गुलाब के फूल, दोस्तों ये एक मुट्ठी गुलाब के फूल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ, और वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं है। और दोस्तों मुलेठी अगर आप डालें तो 5-10 मिनट पहले पानी में ऐसे करके छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और ये ऐसे आपको ले लेना है, एक हाथ से दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को पूरी देखिएगा। आपको घिस्से लगा लेना है दोस्तों ऐसे, और दोस्तों 50 कबूतरों के लिए आपको 100 घिस्से लगाना है, और बढ़िया हाथ से लगाएं दोस्तों। मैं इस टाइम सही से नहीं मार पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं है, बहुत ही अच्छे हाथ से मारना है। 10 मिनट पहले जब आप भिगो देंगे तो ये मुलायम हो जाएगी मुलेठी, और मुलेठे को आप ये जो चिक्कर है ना ये उतार लिया करें, जैसे मैंने ये देखो यहाँ का उतार रखा है। तो 50 कबूतरों के लिए 100 घिस्से, और जो घिस्से हल्के मारे तो वो 150 घिस्से ही मार ले, कोई दिक्कत नहीं है, बाजरा ठंडा हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं घिस्से मार के अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत हल्का घिस रहा है मुझसे। तो फ्रेंड्स मैंने मुलेठी घिस दी है, मुलेठी का आप देखिए रंग जो है पानी में आ गया, और दोस्तों मेरे 80 कबूतर हैं,
जिनको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। कबूतर तो बहुत है दोस्तों, लेकिन मैं अभी 80 आगे पीछे करूँगा इंशाल्लाह। तो 80 कबूतरों में मैंने 200 घिस्से मारे हैं, ठीक है दोस्तों। और आप पानी का रंग देखिए बिल्कुल डार्क हो गया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, बाजरा दूसरा स्टेप है, बाजरा मिलाना। मैं बाजरा मिला के लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है। फ्रेंड्स, तो मैंने बाजरा मिला दिया है, अभी बाजरा मैं और डालूंगा दोस्तों इसमें, ठीक है। आप लोग एक सा बाजरा मिला दीजिएगा, और मेरे ज़्यादा कबूतर हैं इसलिए मैंने अभी सिर्फ 5 डब्बे डाले, तो 2 डब्बे अभी मैं और मिलाऊंगा। 80 कबूतर को 60 डब्बे डालने दे रहा हूँ दोस्तों मैं अभी। अभी आ गई 57 दोस्तों, आपको इसकी डंडी ऐसे ही छोड़ देना है इसमें। और ये दोस्तों एक मुट्ठी के गुलाब के खुश्क गुलाब के फूल हैं, ये मुझे ऐसे करके डाल देना है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ जो अपने कबूतरों को दे रहा हूँ इस टाइम। चालू करना है दोस्तों मुझे, ठीक है, दौड़ाना है कबूतर गर्मी में। तो मैंने जो कबूतर मेरे पर नहीं गिरा रहे हैं वो 80 कबूतर हैं टोटल, बाकी मैंने हटा दिए। जो पर गिराए कबूतर दोस्तों आप हटा दें, उनको झाड़ करने दें, क्योंकि कबूतर को रेस्ट भी करना ज़रूरी है। ऐसे करके हिला दीजिए दोस्तों बाजरे को, और इसको आप 2.5 से 3 घंटे के लिए दोस्तों बस आप रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब कबूतर आप खोलते हैं तो 2.5 से 3 घंटे पहले आप ये बाजरा बना के रख लें। बहुत अच्छा बाजरा है दोस्तों, मज़ा बांध देगा और मज़ा आ जाएगा आपको कबूतर उड़ा के। ठंडा हो जाएगा कबूतर भी आपका, बाजरा भी ठंडा हो गया। और दोस्तों बीच बीच में आप मक्खन का चिकनाव एक कबूतर को दे दें, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन ये बाजरा आप ना दें, आप मेरी बात समझिएगा। सादा मक्खन आता है जो नमकीन नहीं होता है, ठीक है, सादा मक्खन मिलता है, डेयरी वाला मक्खन जिसे कहते हैं। तो आप किसी भी डेयरी से ले आएँ और वो मक्खन खालिस बाजरे में मिला के दे दें, ठीक है। तो उससे आपका कबूतर तर भी रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं पानी की तरफ। ये बाजरा मुकम्मल हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ पानी इसके साथ क्या पानी। ये दोस्तों पूरा खेल हो जाएगा आपको, भाइयों को मैं ये पूरा खेल दे रहा हूँ। जो जो भी मेरे भाई जो नया कबूतर बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दौड़ाना चाह रहे हैं, चुटकी उटकी वो सब बाद में खेलें दोस्तों। जब कबूतर का रियाज बन जाएगा, कबूतर चलने लगेगा, तब आप चुटकी खेलेंगे तो और गहराई करेगा कबूतर, ठीक है दोस्तों। तो पानी बता रहा हूँ, बहुत शानदार पानी है, दौड़ का पानी है, इसी बाजरे के साथ आपको पानी भी देना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो अब आ जाइए पानी की तरफ, और दोस्तों बहुत ही शानदार पानी है। जितने भी नए लोग कबूतर उड़ा रहे हैं उनके लिए समझ लीजिए ये पानी बहुत शानदार है। ये इतना शानदार पानी है, कबूतर को चला देगा दोस्तों तुरंत के तुरंत। और ये पानी दोस्तों आपको 3 दिन देना है, और बाजरा भी 3 दिन देना है। 4थे दिन आप चिकनाव से कबूतर को तर कर दें, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया मक्खन का चिकनाव, ठीक है दोस्तों। दोस्तों और जो लोग WhatsApp पे कह रहे हैं मेरे दोस्त कि WhatsApp पे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों एक दिन में 1000 लोग मैसेज कर रहे हैं उस पर, और ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि अगर मैं एक दिन में आपका जवाब दे दूँ। दोस्तों सबको जवाब दूंगा, तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ, WhatsApp खोलता हूँ और जवाब देता हूँ। ये बहुत से लोग जानते होंगे जिन जिनको मैं जवाब दे चुका हूँ और दे रहा हूँ लगातार। कल भी मैंने 12:30 बजे रात में तकरीबन 20 से 25 लोगों को जवाब दिया है। तो आप वेट करिए दोस्तों, जवाब सबका मिलेगा। बस ये है कि अगर आपने आज SMS करा है तो आप 3 से लेके 5 दिन तक का तो वेट करिए, तो मैं देख पाऊँगा। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसकी रिकॉर्डिंग, आप खुद देखिए, एक दिन में 1000 मैसेज आ रहे हैं, 1000 मैसेज आ रहे हैं, तो इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों। मैं मुझे और भी काम है, तो मैं WhatsApp पे, क्योंकि पढ़ना एक अलग बात है अगर मैं मैसेज का खाली एक जवाब देता रहूं, लेकिन WhatsApp पे क्या है, हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम है, उसको समझना है। तो आप समझ रहे हैं इम्पॉसिबल सा हो जाएगा आपके लिए भी दोस्तों, कोई भी नहीं कर सकता 1000 लोगों को, या तो वो खाली हो दोस्तों, तो खाली होगा तो वो कर सकता दिन भर में, लेकिन दोस्तों मेरे काम है कई, और तो सबको जवाब दूंगा दोस्तों। उसके लिए आप कोई भी बुरा मत मानिए, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आप सब लोगों से जिनको मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन सबको जवाब दूंगा, एक एक करके दूंगा, हल्के हल्के दूंगा, लेकिन दूंगा सबका जवाब, टोटल जवाब, और सबको जवाब दे रहा हूँ दोस्तों। जिन जिनको दे रहा हूँ उनका भी लगा दूंगा, आप देखिए कितने जवाब दे चुका हूँ। तो आप कमेंट कर लिया करिए, कमेंट में भी मैं आंसर देता हूँ, देखिए आप कितने कमेंट के आंसर देता हूँ। तो दोस्तों ये पानी वीडियो स्टॉप हो गई थी, दरअसल ऐसा है बैटरी लो गई थी फ़ोन की मेरे, तो जब मैं खेल बना रहा था तभी वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो खेल है बहुत अच्छा खेल है, ये बाजरा भी ठंडा हो जाएगा इसमें, और मैंने आपको चिकनाव भी बता दिया, एक छोटा सा चिकनाव। लेकिन दोस्तों पानी जो है, पानी बहुत ज़बरदस्त पानी है, ये पानी आप हल्के में ना लें, ये पानी बाजरे के साथ जब मिलता है
तो ये बहुत गजब का पानी बन जाता है दौड़ का। जैसे मुझे लोग जो मेरे भाई अनगिनत मैसेज कर रहे हैं कि उस्ताद जी हमें कबूतर चलाना है, कबूतर चालू करने के लिए बताइए, कबूतर दौड़ाना है। तो ये चालू भी होगा और दौड़ेगा भी कबूतर इससे, और बहुत अच्छा दौड़ेगा। दोस्तों इसी पानी में एक चीज आपको और बता दूं, अगर आपका कबूतर चोचे फाड़े दोपहर में, उसके बाद भी ये पानी देने के बाद, जो बाजरा जिसको ठंडा कराओ ये पानी देने के बाद, ठीक है, तो आपको एक काम करना है कि जब आप देख लें कि 35 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में और 40 डिग्री से ऊपर भी जा रहा है, तो आपको बकरी का दूध ले लेना है। दोस्तों बकरी का दूध आप ले लें, 200 ml ले लें दोस्तों, और 800 ml पानी, ठीक 800 ml पानी। और ये खेल जो मैंने बताया है, ये आप उस दूध में हल करके पूरा खेल आप दें, और फिर आप मुझे बताएं कबूतर आपका कैसा चला। ये बकरी के दूध के साथ बम बन जाता है दोस्तों, बम। तो मैंने ये इसलिए बताया कि दोस्तों अगर आप एकदम से बकरी का दूध लाएंगे तो कबूतर आपका हो सकता है बिल्कुल रुक जाए, आप मेरी बात समझना। दोस्तों मैं आपको खेल सिर्फ बताता नहीं हूँ, सिखाता भी हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और बहुत मोहब्बत से सिखाता हूँ कि आप मेरे भाई हो सीख सको। कि मेरी बस दिल की तमन्ना है ये कि मेरे खेल पे आप कबूतर उड़ाओ और खुद ही दुआएं दो मुझे। तो मेरी बात आप समझ रहे ना कि आपको करना क्या है, बात समझिए। बकरी के दूध से जब मिलता है तो ये बहुत ही गजब का खेल बन जाता है, शानदार खेल बन जाता है जब ये बकरी के दूध से मिल जाता है। लेकिन अभी आपको क्या है, एक हफ्ते तक आप कबूतर इसी से खेल से उड़ाइए। दोस्तों यकीन मानिए, ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा होगा, ये खेल बहुत धाकड़ खेल है और बहुत ही लाजवाब खेल है। ये बाजरा जो ठंडा करना मैंने बताया है, और जो पानी बताया, और बीच में आप एक हफ्ते में 2 चिकनाव डाल दिए मक्खन के, सादे मक्खन के, बस खालिस मक्खन के 2 डिब्बे ले लीजिए, 2 डिब्बे में चिकनाव बना के रख दीजिए 3 घंटे 4 घंटे पहले, और फिर डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा खेल बन जाएगा। और जब आप अगले हफ्ते जब लगाए तो बकरी का दूध शामिल कर लीजिए, ये है इसका तरीका। और बकरी का दूध 200 ml, और वही पानी हो, 200 ml बकरी का दूध हो, 200 ml, 200 ml होता है, 200 ml, ठीक है दोस्तों। तो फिर आप उसी में ही खेल जो किस्से बताए सारी चीजें ये दीजिए, ठीक है, और कोई चीज इस्तेमाल करिए। जब आप बकरी का दूध दें तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, छोटी सी चने के बराबर, 2 चने के बराबर मिश्री जरूर इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो अभी कहता हूँ पूरा वीडियो देखिए, जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। आप लोग आधा वीडियो देख लेंगे और लाइक तो कर ही दे रहे हैं, लेकिन आधा वीडियो देख रहे हैं तो क्या होगा, आपको खेल पता नहीं लग पाएगा। आप फिर बाद में मुझसे कमेंट करते हैं कि ये बताओ उस्ताद जी, वो बताओ, तो दोस्तों मेरा भी टाइम जाया नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। और रहा सवाल, जो मैंने चुटकी बताई थी, खतरनाक चुटकी जो अभी बताई है मैंने, जिसमें खुश गुलाब के फूल हैं, तो उसमें आप ये पानी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपसे वादा करा था पानी डालने का, वो आज नहीं डाल पा रहा हूँ, वो डालूंगा कल इंशाल्लाह। जो किशमिश का पानी था, दौड़ का पानी था, लेकिन दोस्तों ये भी बहुत खतरनाक पानी है। तो बदल बदल के पानी लगाइए आप, और बदल बदल के कबूतर का मजा लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख लीजिए अम्बा हल्दी है, अम्बा हल्दी के आपको दोनों देना है 50 कबूतरों में 50 घिस्से, ठीक है। और जो भाई नहीं खेल रहे हो बिल्कुल, मतलब जिन्होंने अम्बा हल्दी खेली नहीं है, तो 80 घिस्से ले लें, ठीक है। अम्बा हल्दी हो गई दोस्तों, आप चीज़ें सही से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये विधारा है दोस्तों, विधारा कंद, बिरादरी कांड के नाम से भी जानते हैं, विधारा कंद के आपको लेना है पूरे 50 घिस्से, अच्छे हाथ से लेना है। ये बहुत ही मुश्किल से घिसता है, लेकिन बहुत जानदार होता है, ताकतवर होता है, ठीक है, विधारा कंद। इसके साथ दोस्तों आपको लेना है इसमें 5 बादाम, मात्र 5 बादाम, वो इसमें है नहीं, 5 बादाम लेना दोस्तों, 12 घंटे भीगे हुए, याद रखना 12 घंटे भीगे हुए। ये बादाम को लाकर 3 चीज़ें होंगी दोस्तों, ये छोटी पीपल, दोस्तों आपको सिर्फ ये इतना हिस्सा लेना है छोटी पीपल का, ये आधे से भी आधा है, ठीक है, 1/3 है, ये आपको छोटा पीपल पूरा घिस देना है इसमें, ठीक है दोस्तों। ये आ गई दोस्तों मुलैठी, मुलैठी के 60 हाथ लेना है दोस्तों, याद रखिएगा मुलैठी की 60 घिस्से 60 हाथ, और ज़ोर ज़ोर से लेना है दोस्तों, कबूतरों को इसका अर्क मिले, ठीक है। अब इसके साथ दोस्तों बहेड़ा आ गया, बहेड़ा के 30 घिस्से लेना है, 30 घिस्से 30 घिस्से बहेड़ा, सवा धड़ है, यह है सवा धड़, इसकी आपको लेना दोस्तों 35 घिस्से 35 घिस्से, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 2 इलायची लेना है आपको, और इसके बीज निकाल के, काले बीजों हैं दोस्तों, सिया बीजों हैं, सफ़ेद या कत्थई बीज ना हो, वो बेकार होती है, वो आप फेंक दें। आप काले बीज लें और इसको पत्थर की मदद पे रख के बढ़िया करके रख लें, पानी में घोल दें। 2 सिया मिर्च, काली मिर्च लेना है आपको मात्र 2 दोस्तों, 50 कबूतरों के लिए। और आपको लेना है 5 दखनी मिर्च, 5 सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च दोस्तों, ये पानी आपको चलाना है इसके साथ। और घिस्से जैसे मैंने, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।